जैसे एक जहाज समुद्र में जा रहा है, पक्षी है उड़ान मारते हैं, कोई और स्थान नहीं होता, जहाज पर लौट कर उतरते हैं। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है, काम में व्यस्त हुआ और काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद, ऑटोमेटिक, क्योंकि अब मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर है, उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है, वहर मुठी 1/3 है। साधारणतः अब तक क्या था, वैर मुखी था मन का बहाव, तो जब आधा घंटा सुबह पूजा करते थे तो मन नहीं लगता था, क्योंकि दुनिया के विचार आते रहते थे, जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया, जब मन पर निगाह डालो, दुनिया भी विचारों से भरा है, क्योंकि मन का बहाव दुनिया की ओर है, तो दुनिया की ही सोचेगा। अब उलटधार हो गई, मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। जैसे आज ऑटोमेटिक मन भरा रहता है दुनिया भी विचारों से, तब लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा। जब देखो परमात्मा का चिंतन, जब खाली परमात्मा का चिंतन, जब खाली ईश्वर का चिंतन, और कुछ होगा ही नहीं। इसी का नाम उलटधार है, और ये तरीका उलटधार करने का है। जब उलटधार हो जाती है तो काम बन जाता है, 99% सफलता प्राप्त हो गई। ये अभ्यास सबसे मुश्किल है, जिसने अभ्यास कर लिया उसको सफलता प्राप्त हो गई, 10% बाकी रह गया वह भी आसान है, मुश्किल नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय पद शरण, श्री स्वरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री स्वरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री स्वरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री स्वरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री स्वरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री स्वरूप चरण शरण, जय सद्गुरुदेव, जय पद शरण, श्री स्वरूप चरण शरण। जय सद्गुरुदेव,
पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय स्वरूप चरण शरण माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। हमारा जो रास्ता है ध्यान योग का रास्ता है, ध्यान कंसंट्रेशन मेडिटेशन आनंद योग सहज योग बड़े आराम से बहुत आराम से किया जा सकता है और हर साधक इस चीज को बड़े प्यार से कर सकता है। तो कहते शुरू करते हैं, आधा घंटा सुबह पूजा आधा घंटा सायंकाल पूजा। जो आज आपका काम है, जो आज आपके क्रियाकलाप हैं, इसके अंदर एक चीज बढ़ाए हुए है परमात्मा का नाम, छोड़ना कुछ नहीं है, एडिशन है ध्यान योग। आप पूजा सभी करते हैं, हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं, अपने किसी ना किसी ढंग से पूजा अर्चना करते हैं। सुबह उठते हैं प्रभु का नाम, काम पर निकले अपने इष्ट देव का नाम, किसी मुसीबत में पड़े तो अपने परमात्मा का नाम, अब वही है जो सब चीजों का निवारण करने वाला है। हमारा जो अखिल भारतीय संत परिषद संघ है, इसका रास्ता ध्यान योग का रास्ता है, ध्यान योग बड़े प्यार से सहज योग, जो सोचते हैं करके मानते हैं हठ योग। अगर आपने परमात्मा का नाम पकड़ा और मन नहीं लग रहा कि नहीं आज तो मन लगा के ही छोड़ेंगे, हठ योग। राजयोग, अपने घर के राजा हैं हम लोग, जो हम चाहते हैं वही घर के अंदर होता है। अगर चाहें तो घर को स्वर्ग बना दें, चाहें तो घर को नरक बना दें।
अपने घर पर जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े सहज भाव से, बड़ी अच्छी, बड़ी ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल। पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से जिस आसन पर बैठे हैं इसी आसन पर बैठे हैं, सुखासन। आसन भी बहुत प्रकार के हैं, सुखासन, सिद्धासन, अर्सिद्धासन, बहुत सारी आसन है। बड़े प्यार से बैठे हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा आराम मिलता है, वो आसन पकड़िए। बड़े प्यार से बैठिए और ये निश्चित कीजिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। पहले तो स्वरूप, नाम, जो चीज आपकी आत्मा को सबसे प्यारी लगती है उसको पकड़े। पहले तो चुनिए कि कौन सा स्वरूप परमात्मा का, कौन सा नाम परमात्मा का आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बड़े प्यार से चुनिए। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, अनेकों रूप हैं परमात्मा के, पर जो आपके मन को भाता है उसको चुनिए। उसके बाद ये भी आपको चुनना जरूरी है कि कौन सी शक्ल, कौन सी सूरत, कौन सी पोजीशन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है अपने इष्ट देव के। किसी को शंकर जी बैठे अच्छे लगते हैं, किसी को शंकर जी खड़े अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण भगवान गोपियों के साथ अच्छे लगते हैं, तो किसी को गौशाला में अच्छे लगते हैं। जो आपकी आत्मा जिस चीज को देख के प्रसन्न होती है उसको चुनिए। बड़े प्यार से बैठे हैं। वो पवित्र मुहूर्त जो आपको भा गई है उसको अपने सामने बनाए। पूजा के स्थान पर निश्चित कीजिए, पूजा के स्थान पर आइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठें। कोई भजन आपको आता तो गाइए, अगर नहीं आता तो भावना बनाएं कि प्रभु तेरे दरबार में बैठा हूं, बनाएं बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें बाय थॉट, आंतरिक पूजा, अब तक जो हम करते चले आ रहे हैं वो शारीरिक पूजा है, शरीर से करते हैं, मन हमारा इधर उधर घूमता रहता है। मन से अपने इष्ट देव को अपने सामने बनाएं, जैसे पेंटर बनाता है। अगर आप किसी कला के व्यक्ति को कहिए कि हमारे शिव जी की मूर्त हमारे सामने बना दो, बड़े प्यार से वो सोचेगा और जहाँ कहेंगे वहाँ बना दे के सामने रख देगा। उसी प्रकार आप भी जब भी पूजा करें अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाइए। बड़ी बड़ी आँखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए अपने सामने। थॉट लीन हो जाइए उसी में। जब तक आप आधा घंटा ध्यान और पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसमें लीन हो जाइए, ना कोई दूसरा विचार आए ना ख्याल, ऐसे तल्लीन हो जाए उसके अंदर। पर होता क्या है कि जैसे ही हम ध्यान की अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं, ध्यान की अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आते हैं जो जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे, रह के आते हैं और फूट फूट के आते हैं। कारण ये है कि 24 घंटे दुनिया के विचारों में हम घूमते रहते हैं। हमने कोई चीज़ करने की कोशिश की तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे,
जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे, उन विचारों को हटाएं, हटाइए, बड़े प्यार से हटाएं कि प्रभु प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट देव से कि 20 मिनट आधा घंटा पूजा करने के हैं, इसके बाद सोच लेंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, बड़े प्यार से। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से चार विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। अगर आज आधे घंटे ध्यान करते हुए आपके 100 विचार आपके सामने आते हैं और ये अभ्यास आपने अपना ध्यान करने का जारी रखा, तो विचारों में कमी आनी शुरू होगी। हटाइए, फिर ध्यान में लगिए, फिर हटाइए, बाय प्रैक्टिस। हम चलना नहीं जानते थे, हमारी माँ ने हमारा हाथ पकड़ के चलना सिखाया, आज बहुत अच्छा चल लेते हैं बाय प्रैक्टिस। लिखना नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, बाय प्रैक्टिस अब बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, चल भी लेते हैं, सारे काम अपने अपने साथ कर लेते हैं अपने आप। अगर इस चीज की प्रैक्टिस डालेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे आप बैठेंगे आपका इष्ट आपके सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल, ऐसे तल्लीन होंगे अपने इष्ट के विचारों में। दूसरा, दिल हमारा धड़कता रहता है, मूर्त सामने बनाएं, दिल की हर धड़कन में जो मंत्र आपने चुना है उसको उच्चारित होते सुनने की कोशिश करें। हमारे दिल से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है, हम सुन रहे हैं, और जब तक ऐसा ना हो बड़े प्यार से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु, बड़े प्यार से बैठिए, आनंद में स्थिति बनाइए, बड़े आनंद में, और दिल की हर धड़कन पर ओम नाम वाइब्रेट होते महसूस कीजिए, उसकी वाइब्रेशंस ये महसूस करें कि दिल की हर धड़कन से ओम नाम निकल रहा है, अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। ये वो पुजारी जो निराकार भगवान के उपासक हैं। इससे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया साकार रूप के पुजारियों के लिए बनाया, अगर इस तरीके से पूजा करेंगे आनंद में स्थिति होगी और मस्तिष्क पर जितना भार था वो हल्का होगा। ऐसे ऐसे सलूशन हमारे सामने आएंगे जो हमने ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे। ये तरीका अखिल भारतीय संत सत्संग के जो बुजुर्गवान हुए उन्होंने बताया, जो 100% गृहस्थी थे, गृहस्थियों के लिए रास्ता बताया और इतना सुंदर रास्ता बताया कि 24 के 24 घंटे ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।